इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन मुनाली द्वारा सरकार की जन विरोधी नीतियों को वापस लेने और महिला उत्पीड़न रोकने की मांग को प्रशासन को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन की जिलाध्यक्ष संगीता आरवी ने बताया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज महंगाई भयावह ढंग से बढ़ रही। हमने महंगाई के विरोध में ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में, और आज ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से पूरे राज्य स्तरीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है। और लगातार जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी रोकथाम नहीं कर रही है, उसको लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और मांग करते हैं सरकार से कि जो खाने का तेल है, डीजल पेट्रोल है, उसका दाम आसमान छू रहा है, उसको कम करना चाहिए। और लगातार जो महिलाओं बच्चियों पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी और उदाहरणमूलक सजा देना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। मैं प्रभा लोधी, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन इकाई से। उन्होंने महंगाई रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की सरकार से मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में महिलाओं को अपमानित किया गया, उनकी निंदा करते हुए आजमगढ़ में दलित महिला के साथ यौन उत्पीड़न की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की और जिम्मेदार गुंडा तत्व और पुलिस कर्मियों को कड़ा दंड देने की मांग की गई है। इस मौके पर संगठन महिला सदस्य भी उपस्थित रहेंगे।